टीकमगढ़ जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज एक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत भी की गई। कार्यक्रम में टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जतारा विधायक हरिशंकर खटीक, खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी एवं टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी के साथ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। जन अभियान परिषद और स्थानीय स्वास्थ्य संगठनों के माध्यम से जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक प्रशांत करे, साथ ही जिला पंचायत सीईओ एस के मालवीय के साथ जिला समन्वयक डॉक्टर सुनील कटियार, शैक्षिक संगठन दमक के प्रमुख श्री राकेश मिश्रा, ग्रामीण स्वावलंबन सेवा समिति के प्रमुख राजकुमार अहरवार सहित कोरोना वॉलेंटियर्स उपस्थित रहे। बता दें, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद टीकमगढ़ द्वारा कोरोना की रोकथाम हेतु नई पहल की गई। इसके तहत अन्य समाज सेवी संस्थाएं मिलकर जिले में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना वायरस के उपाय एवं वैक्सीन लगवाने के साथ साथ कुछ जरूरत बंधुओं को अपनी तरफ से मदद करने के प्रयास जारी रहेंगे। साथ ही कोरोना से बचने के उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद टीकमगढ़ द्वारा संचालित रथ यात्रा प्रदेश की दूसरी रथ यात्रा है। आज की जो रथ यात्रा निकाली गई, मध्य प्रदेश की द्वितीय रथ यात्रा है जो कोरोना की रोकथाम के लिए निकाली गई है, क्योंकि अभी तक यात्राएं इस संबंध में नहीं निकाली गई कि लोगों को जागरूक किया जाए। लोगों को जन जागरूकता के लिए शैक्षिक संगठनों के साथ मिलकर आज ग्राम स्तर पर रथ यात्रा निकाली गई, जो कि जिले के 204 ग्रामों में शैक्षिक संगठनों के माध्यम से यह यात्रा निकाली जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों में जो कोरोना के प्रति भय है जी, उसको दूर करने के लिए लोगों को टीका लगवाना चाहिए और साथ ही प्रभावी तरीके रोकथाम की जा सके, जैसे जनता कर्फ्यू का पालन किया जा सके, सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके, लोगों को आपस में बाहर से आने वालों को होम क्वारंटाइन किया जा सके, या बाहर से जो आसामाजिक तत्व आते हैं, बाहर से जो आते हैं जैसे चिट फंड कंपनी वाले आते हैं, तो उनको रोका जा सके, क्योंकि महिलाओं के साथ वो आके बैठक करते हैं इस आधार पर बिना मास्क के, तो ऐसा पलेरा में किया गया था। टीकमगढ़ से राकेश भास्कर की रिपोर्ट।